नोएडा में डिजिटल अरेस्ट का मामला आया सामने, जहां सुरभि नाम की डॉक्टर से 40 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया। साइबर अपराधियों और ठगों ने करीबन 24 घंटों तक खुद को मुंबई क्राइम ब्रांच का अधिकारी बनाकर उन्हें स्काइप आईडी के जरिए वीडियो कॉल पर जबरन जोड़े रखा। उन्होंने फेडएक्स कुरियर सर्विस से कॉल कर ठगी की इस वारदात को अंजाम दिया। अब कस्टम और मुंबई क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पीड़िता ने कहा कि उन्होंने कॉल कर धमकाया, मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने की धमकी दी और कहा कि पार्सल में पासपोर्ट, क्रेडिट कार्ड, एमडीएमए, ड्रग मिला है, इसमें कॉर्पोरेट ना करने पर जेल जाना पड़ेगा। मुझे वकील से बात करने को रोका गया, मुझे स्काइप ऐप से जोड़कर 7 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट किया। डॉक्टर सुरभि ने अब साइबर क्राइम थाने में FIR दर्ज कराई है और अब धारा 420, 419 और 66D IT एक्ट के तहत में मुकदमा दर्ज हुआ है। मामले की जांच लगातार जारी है। देखिए, ये पिछले कुछ दिनों में एक नए तरीके का फ्रॉड सामने आया, जहां पर एक कुरियर कंपनी के जरिए आपको फोन कॉल आता है और उसके बाद में कहा जाता है कि आपके इस कुरियर में कुछ ऐसा सामान है, ड्रग्स हैं, जिस कारण से आप जेल में जा सकते हैं। और इन डॉक्टरों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। नोएडा में महिला डॉक्टर को डिजिटल अरेस्ट किया गया। 7 घंटे तक वो कॉल पर कनेक्ट रही और उसके बाद उन्हें किसी भी वकील से बात नहीं करने दी गई, इनफैक्ट किसी से बात नहीं करने दी गई और पुलिस ऑफिसर बनकर 40 लाख रुपए की ठगी हुई है। साइबर क्राइम थाने ने अभी मामला दर्ज कर लिया है। 420, 419, 66D IT एक्ट के तहत में मुकदमा दर्ज हुआ है। नोएडा में महिला डॉक्टर को डिजिटल अरेस्ट किया। तो देखिए, जितना तकनीक का युग है उतने ही आजकल नए नए इस तरह के जो मामले हैं वो भी सामने आ रहे हैं। और ये मामला डिजिटल अरेस्ट का, मतलब किसी को जबरदस्ती डिजिटली कनेक्ट रखना, और ये बंदिशें जाहिर तौर पर अब कई लोगों के सामने आ चुकी हैं और इसमें 40 लाख की ठगी का मामला सामने आया।